हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कस्बे के इसरोल में स्कूल से घर की ओर लौट रहे बच्चों को अज्ञात वाहन ने चपेट में लिया, जिससे दोनों बच्चे गंभीर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसरोल सरपंच पद्मा राम ने बताया कि इसरोल के ग्राम पंचायत के आगे साइकिल पर सवार दो बच्चे घर की ओर जा रहे थे। इस दौरान अज्ञात वाहन ने साइकिल को टक्कर मार दी, जिससे दोनों बच्चे गंभीर घायल हो गए। सरपंच ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल बच्चों को बाड़मेर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों बच्चों को इलाज के लिए जोधपुर रेफर कर दिया गया। दोनों बच्चों की उम्र 14 से 15 वर्ष के बीच है और दोनों उच्च माध्यमिक विद्यालय इसरोल में अध्ययनरत हैं। घायल बच्चों की पहचान करनाराम पुत्र देवाराम जाट और भोमाराम पुत्र ठाकराराम जाट के रूप में हुई है। मेरा नाम पद्माराम गोदारा है, मैं इसरोल का सरपंच हूँ। जी, क्या मामला था, कौन घायल है, क्या हुआ कुछ? ये घायल अभी इसरोल में एक्सीडेंट हुआ ग्राम पंचायत के आगे। जी, दो बच्चों के गंभीर चोटें लगी है। बच्चे किस में सवार थे सर? बच्चे साइकिल पे सवार थे। तो किसने टक्कर मारी, आपको क्या प्रश्न? गाड़ी वाला तो अभी अज्ञात है, उसका मालूम नहीं पड़ा है। और हमको पहले ही पता चला ग्राम पंचायत आगे था, हमें लेकर यहाँ हॉस्पिटल आए इसको, यहाँ प्रारंभिक उपचार के बाद अभी रोड को रेफर किया। बच्चों के नाम? बच्चा एक तो दादूराम का लड़का है और एक देवाराम का लड़का। कौन से स्कूल में पढ़ते बच्चे? ये ग्राम पंचायत इसरो में पढ़ते हैं, वो राजकीय आदर्श। बच्चों के नाम? उम्र कितनी होगी? भोमाराम का नाम, भोमाराम ठाकराराम। चौहटन से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।